हेलो एवरीवन स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो रिलेटेड है लाइब्रेरी सेक्शंस के ऊपर लाइब्रेरी सेक्शंस बहुत सारे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट वर्क ड्यूटीज़ एंड रूटीन्स डिसाइड किए जाते हैं एंड प्रोवाइड किए जाते हैं स्टूडेंट्स को ताकि उनकी इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड सोर्सेज उनको टाइमली मिल सके और लाइब्रेरी का जो मैनेजमेंट है या लाइब्रेरी की जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस है वो उनको टाइमली प्रोसेस किया जा सके और स्मूथली रन करने के लिए लाइब्रेरी को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि कौन कौन से सेक्शंस कौन कौन से लाइब्रेरी फंक्शंस डिवाइड होते हैं और कितने टाइप्स के वो होते हैं उनमें क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं तो लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट काइंड की मैनेजमेंट्स भी होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्राइसिस मैनेजमेंट चेंज मैनेजमेंट और बजटिंग मैथड्स को चलाने वाली मैनेजमेंट जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है बहुत सारी मैनेजमेंट इसके अंदर रखी जाती है प्लस ओकेजनल टॉपिक्स के लिए ओकेजनल इन्फॉर्मेशन एक्सेस के लिए जो लाइब्रेरी के अंदर चलाया जाता है विच इज़ टी क्यू एम एम बी ओ एम आई एस डैट मैनेजमेंट भी उसके अंदर इन्वॉल्व की जाती है पर डेली टू डेली रूटीन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए उसको सर्कुलेट करने के लिए अच्छे से इन्फॉर्मेशन एक्सेस किया जाता है टाइमली और प्रोवाइड किया जाता है सो so, आज हम पढ़ेंगे उन्हीं सेक्शंस के बारे में जो कि वहाँ पे चलाए जाते हैं और उनको प्रोवाइड किया जाता है जिसकी वजह से यूज़र को टाइमली इंफॉमेसन मिल जाता है और वो ईज़ीली लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं सो लेट्स स्टार्ट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस लाइब्रेरी सेक्शंस, इन मैनेजमेंट प्रॉपर सेक्शंस में उनको डिवाइड किया गया है प्रॉपर वे में उनको डाला गया है सो so दैट अच्छे से जो उनका फंक्शन है वो चले ठीक है आइए बात करते हैं लाइब्रेरी सेक्शंस की सबसे पहले एक्विजिशन सेक्शन फर्स्ट सेक्शन इज एक्विजिशन सेक्शन जो कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर आता है सेकेंड इज टेक्निकल सेक्शन थर्ड सर्कुलेशन सेक्शन Fourth one is your periodical section, fifth reference section, sixth is your maintenance section. And the seven one is binding. तो लाइब्रेरी एन इंफॉर्मेशन साइंस में लाइब्रेरी को इन डिफरेंट फॉर्मेट्स में बांटा गया है इन डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर बांटा गया है जो कि यह सेक्शन है अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्विजीशन सेक्शन की सबसे फर्स्ट सेक्शन होता है एक्विजीशन सेक्शन टेक्निकल सेक्शन देन सर्कुलेशन सेक्शन प्रियऑडिकल सेक्शन रेफरेंस सेक्शन मेंटेनेंस सेक्शन एंड द लास्ट वन इज बाइंडिंग सेक्शन ये सेवन सेक्शंस लाइब्रेरी के ऑल रूटीन्स डेली रूटीन्स को सर्कुलेट करने में उनको अच्छे से चलाने में हेल्प करते हैं सो so, अब हम इन सेक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या वर्क एंड डेली रूटीन्स होते हैं और क्या क्या इनकी ड्यूटीज होती है जो कि पर्टिकुलर सेक्शंस के अकॉर्डिंगली डिवाइड की जाती है और वही परफॉर्म की जाती है ओके okay? बात अगर करें हम सबसे पहले एक्विजिशन सेक्शन की जो कि फर्स्ट सेक्शन है एक्विजिशन सेक्शन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बेसिकली इसकी क्या क्या ड्यूटीज होती है वो हम यहां लिख लेते हैं फर्स्ट इज ऑर्डरिंग प्रोक्योरमेंट सेलेक्शन प्रोसीजर

जो कि वहाँ का स्टाफ लाइब्रेरी एक्विजिशन सेक्शन का स्टाफ परफॉर्म करता है और प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को सबसे पहला आता है ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग यानी कि बुक्स को पब्लिशर से मंगवाना ऑर्डर करना इन बिल्स ये सब कुछ डिस्काउंट ये सब चेक करना दैट इज़ द वर्क ऑफ एक्विजिशन सेक्शन सेकेंड इज़ प्रोक्योरमेंट बुक्स मंगवाना कौन सी बुक मंगवाई जाएगी कलेक्शन डेवलप करना कलेक्शन सेलेक्शन करना दैट इज़ अ वर्क ऑफ एक्विजिशन डिपार्टमेंट थर्ड इज सेलेक्शन प्रोसीज़र सेलेक्शन प्रोसीज़र किस टाइप का प्रोसीजर हेल्प किया जाएगा क्या प्रोसीजर के स्टेप्स होंगे वो डिसाइड करना प्रॉपर स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर उसी के अकॉर्डिंग वर्क असाइन करना दैट इज ऑल्सो अ वर्क ऑफ एक्विजीशन डिपार्टमेंट एक्सेशनिंग करना यानी कि एक्सेशन रजिस्टर में उसकी एंट्री करना प्रॉपर एक्सेशन नंबर बुक्स को प्रोवाइड करना स्टैम्पिंग भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं बुक्स की स्टैम्पिंग करना जो भी लाइब्रेरी के स्टैम्प्स के थ्रू की जाती है एंड लेबलिंग और पेस्टिंग लेबलिंग पेस्टिंग आफ्टर दैट जो भी स्लिप्स बार कोड्स अगर उसके ऊपर लगने हैं वो लगाना सो so दैट उसके बाद वो दूसरे सेक्शन को हैंड ओवर की जाती है ये सारा वर्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेशन एक्विजीशन ड्यूटीज़ के अंदर एक्विजीशन सेक्शन के अंदर परफॉर्म किया जाता है जो कि ये ड्यूटीज़ परफॉर्मड करते हैं काफ़ी बार क्वेश्चन भी, भी आता है कि कौन कौन सी ड्यूटी कौन से सेक्शंस की है या कौसे वो परफॉर्म किया जाता है तो आंसर इज दैट ओके अभी इसी के अंदर जो हमने ड्यूटीज पढ़ी उसमें उन्होंने पूछा कि बुक सिलेक्शन प्रोसीजर और कलेक्शन डेवलपमेंट प्रोसीजर करते हैं वही तो वो कैसे किया जाता है थ्रू कौन से टूल से वो किया जाता है दैट इज योर बुक सिलेक्शन टूल्स बुक सिलेक्शन टूल्स के अकॉर्डिंगली उनकी हेल्प लेकर हम प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस ताकि वो ये सब चीजें इजिली कर सके बुक सेलेक्शन टूल्स में आपका सबसे पहला टूल्स जो आता है विच इज आई एन बी दिन नेशनल विब्लोग्राफी आई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलेक्शन डेवलपमेंट टूल है जो कि नेशनल लाइब्रेरी के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है उसी के थ्रू उसको पब्लिश किया जाता है इन दिस जो इंफॉर्मेशन एक्सेस होता है लाइब्रेरी का या जो कलेक्शन होता है जो नेशनल लाइब्रेरी डेवलप कर रही है और जितना भी अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अंदर उनके पास अप्लाई कॉपीज़ आ रही है उन सब की इंफॉर्मेशन मंथली बेस पे आई में पब्लिश की जाती है सो so दैट उसको यूज करके एक्विजिशन सेक्शन अपनी कलेक्शन डेवलप कर सकते हैं और ईच एंड एवरी बुक का उसमें इंफॉर्मेशन होता है उससे जितनी भी कलेक्शन इंडिया के अंदर पब्लिश हो रही है वो आप इजिली एक्सेस करके उसको डाल सकते हो और प्रोवाइड कर सकते हो इसके अलावा बुक रिव्यूइंग जर्नल्स बहुत सारी बुक रिव्यूज लिखे जाते हैं जर्नल्स के ऊपर इंपैक्ट फैक्टर्स बनते हैं उनसे गो थ्रू करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेके हम जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं थर्ड इज यूजिंग डिमांड जिस भी बुक की ज्यादा डिमांड होगी ज्यादा उसका इन्फॉर्मेशन चल रहा है उसको एक्सेस करके भी हम वो बुक एक्सेस कर सकते हैं और कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं यूजिंग अनदर ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन जो भी लाइब्रेरी like, की सिमिलर लाइब्रेरीज होती है उनकी कलेक्शन से प्रेरित होकर उनके कलेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन रख के हम अपनी कलेक्शन को डेवलप कर सकते हैं सो दैट उनसे हमें एक प्रॉपर बेसिक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंटेशन यूज़र पसंद करते हैं यूज़र को एक्सेस करना होता है और वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं कैसे उसकी कलेक्शन डेवलप कर सकते हैं ओके दीज आर योर बुक सलेक्शन टूल्स इसके अंदर और भी ज्यादा बुक सिलेक्शन टूल्स शामिल होते हैं जिसमें आपका ट्रेड लिटरेचर एंड ट्रेड बिब्लोग्राफी भी आता है ट्रेड लिटरेचर एंड ट्रेड बिब्लोग्राफी अगर हम बात करें ट्रेड वर्ड की तो ट्रेड वर्ड जो यहाँ पर डिनोट कर रहा है वो पब्लिशर को डिनोट कर रहा है ट्रेड मीन्स पब्लिशर की बात की जा रही है पब्लिशर्स जो अपनी बुक के लिटरेचर्स एंड जो भी बिब्लोग्राफीज प्रिपेयर करता है जो भी फेमस पब्लिशर्स हैं या जिन पब्लिशर्स के हमें डॉक्यूमेंट रखने हैं हम उनकी रिव्यू जर्नल्स हम उनके लिटरेचर को एक्सेस करके उनसे अपनी कलेक्शन डेवलपमेंट ईजिली से कर सकते हैं और उसको ईजी प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है तो ये थे हमारे बुक सेलेक्शन टूल्स जिसको यूज करके एक्विजिशन डिपार्टमेंट बुक को सेलेक्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है नाउ व्हाट्स द प्रोसीजर व्हाट्स द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो कि एक्विजिशन सेक्शन आउट करता है अपने ऑर्डरिंग स्ट्रक्चर के अंदर या बुक को ऑर्डर करने से लेके बुक की लेबलिंग पेस्टिंग तक जो फॉलो आउट किया जाता है प्रोसीजर वो एक्विजिशन सेक्शन की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का प्रोसीजर होता है ठीक है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर दैट इज स्कैनिंग स्कैनिंग करना डॉक्यूमेंटेशन की स्क्रूटनी करना बुक सेलेक्शन प्रोसीजर जो भी सलेक्शन प्रोसीज़र है ऑर्डर है इन वॉइस बिल्स हैं उनको चेक करना कोई डुप्लीकेशन तो नहीं है वो स्कैनिंग एंड स्क्रूटनिंग में हम फाइंड आउट करते हैं सो देट कोई बुक पुराने एडिशन की ना हो और अपडेटेड सिलेबस की बुक होनी चाहिए या उसका कोई पुराना एडिशन गलती से ना आ गया हो मिस प्रिंटिंग बुक्स के अंदर ना हो गई हो ये सब कुछ हम इसके प्रोसीजर के अंदर डालते हैं सो दैट हमें वो पहले से ही क्लियर आउट हो जाए रिसीव्ड ऑर्डर्स चेक करना एक्सेशनिंग करना एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री करना उसकी एंड देन लेबलिंग एंड पेस्टिंग इफ लाइब्रेरी यूज बारकोड सिस्टम तो बारकोड उसके अंदर प्रोवाइड करना आर एफ आई डी अगर यूज़ किया जा रहा है आर एफ आई डी चिप्स उसके अंदर हेल्प करना ये सारा काम एक्विजिशन सेक्शन का होता है और वही इसको परफॉर्म करते हैं देन आफ्टर दैट ये जो भी ड्यूटीज थी वो कंप्लीट करके वो जो बुक्स होती हैं वो टेक्निकल सेक्शन के पास पास ऑन की जाती है उनको प्रोवाइड की जाती है तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आता है दैट इज टेक्निकल सेक्शन after acquisition section take okay, second section is your technical section टेक्निकल सेक्शन के जो मेन मेन ड्यूटीज होती है दैट इज क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, बिब्लियोग्राफी इंडेक्सिंग आई एस बी डी या अनदर जो भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट आ रहा है जो भी इसका इन्फॉर्मेशन आता है वो चीज़ करना वो इसके अंदर आ जाता है तो टेक्निकल सेक्शन की अगर हम बात करें इनके जो दो मेन फंक्शंस होते हैं डेट इज़ क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगी ये सबसे पहले क्या करते हैं जो भी बुक एक्विजिशन रजिस्टर से आई है एक्विजिशन सेक्शन से आई है उनको क्लासीफाई करना अकॉर्डिंग यूजिंग स्कीम्स ऑफ क्लासीफिकेशन जो भी लाइब्रेरी यूज़ कर रही है अगर वो डीडीसी यूज़ कर रही है तो डीडीसी को यूज़ करके यूडीसी कर रही है तो यूडीसी सीसी कर रही है तो सीसी सी हो रही है यूज़ तो एल सी हो रही है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन हो रही है कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम जो भी लाइब्रेरी यूज़ कर रही है उसको यूज़ करके बुक्स की क्लासीफिकेशन करना उनको कॉल नंबर प्रोवाइड करना ओके okay. देन उसके बाद जो सेकेंड वर्क होता है उनका वो होता है कैटलॉगिंग करना कैटलॉगिंग दो तरीके से हो सकती है ए ए सी आर सी 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 जो कि सबसे फेमस कैटलॉग कोड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं कैटलॉगिंग करने में डॉक्यूमेंट्स की कैटलॉगिंग में मेन एंट्री एंड एडिट एंट्री प्रिपेयर करके वो प्रोवाइड किया जाता है इन्फॉर्मेशन और उसके अंदर कैटलॉगिंग करने के बाद अगर बिब्लोग्राफी सर्विसेज के अंदर हेल्ड है तो बिब्लोग्राफी में उसका इन्फॉर्मेशन डालना बुक का इंडेक्सिंग करना उसकी आई में उसकी एंट्री करना अगर हम आर डी ए सीसीएफ फॉर्मेट पर वर्क कर रहे हैं या मार्क पे कर रहे हैं तो वो एंट्री भी टेक्निकल सेक्शन के अंदर ही वर्क रूटीन के अंदर शामिल होती है उन्हीं का ये वर्क होता है जो इस लेवल के ऊपर बुक्स uh, की क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग एंड उसकी अनदर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना और उसको रिकॉर्ड करना ओके okay? ये जो हमने वर्क पढ़ा दैट इज रिलेटेड टू टेक्निकल सेक्शन आफ्टर टेक्निकल सेक्शन जितनी भी बुक एक्सेशनिंग में आई एक्विजिशन में आई टेक्निकल के अंदर गई उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिफरेंट सेक्शंस में उनको शेल्व में लगा दिया जाता है अगर जर्नल और अनदर थिंग्स है तो उनको प्रियोडिकल सेक्शन में भेज दिया जाता है सर्कुलेशन सेक्शन की ड्यूटीज आती है इसके बाद सबसे पहली ड्यूटी इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बुक्स जिसको हम आम भाषा में इश्यू एंड रिटर्न ऑफ बुक्स भी कहते हैं बुक्स का इशू करना बुक्स का रिटर्न्स करना ठीक है कोई भी बच्चा आ रहा है बुक को इशू करवाने के लिए बुक को डिस्चार्ज करवाने के लिए वो परफॉर्म करना दैट इज अ वर्क ऑफ सर्कुलेशन डेस्क और सर्कुलेशन सेक्शन इसके अलावा यूजर रजिस्ट्रेशन यूजर लिस्ट या यूजर रजिस्ट्रेशन मेंटेन करना लाइब्रेरी कार्ड्स मेंटेन करना लाइब्रेरी ट्रेज मेंटेन करना ठीक है इन केस अगर लाइब्रेरी में बारकोड सिस्टम है तो यूज़र का रजिस्ट्रेशन करना उनके प्रोफाइल्स क्रिएट करना दैट इज़ द वर्क ऑफ सर्कुलेशन डेस्क इन केस और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स का भी बारकोडिंग की एंट्री करना ये भी सर्कुलेशन डेस्क का काम आ जाता है मैनुअल वर्क चल रहा है तो लाइब्रेरी कार्ड्स के अंदर इन्फॉमेशन एक्सेस करना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना बच्चों के लाइब्रेरी कार्ड्स बनाना उसमें इंफॉमेशन पुट करना दैट इज़ ऑल्सो अ वर्क ऑफ लाइब्रेरी सर्कुलेशन सेक्शन दैट इज़ द रूटीन वर्क इसके अलावा बच्चे अगर कोई डिमांड लिख के आते हैं या कोई भी डिमांड बुक्स की चाहिए उन्हें उनको कन्वे करना एक्विजिशन सेक्शन को ये काम भी सर्कुलेशन डेक्स का होता है आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बात करते हैं अगर हम अपने फोर्थ सेक्शन की विच इज प्रियडिकल आप काफी बच्चे सोचते हैं कि प्रियडिकल सेक्शन क्या है और इसमें किस टाइप का डॉक्यूमेंट होता है यानी कि जिसमें डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू जर्नल्स प्रियोडिकल्स सीरियल्स मैगजीन बिब्लोग्राफीज बिब्लोग्राफीज नहीं आएगा इसमें एक सेकेंड न्यूज़ पेपर्स कोई भी चीज़ कोई भी जो प्रियोडिसिटी मेंटेन कर रही है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आ रही है लाइब्रेरी के अंदर दैट इज कम अंडर प्रियोडिकल सेक्शन फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ पेपर इसकी जो प्रियोडिसिटी है दैट इज़ डेली तो ये डेली लाइब्रेरी के अंदर आ रहा है तो इसकी जो स्टैंपिंग होती है इसका जो जहां पे इसको रखा जाता है दैट इज अ सेक्शन प्रियोडिकल सेक्शन जर्नल्स है कुछ जर्नल क्वार्टरली आ रही है काफी जर्नल क्वार्टरली ही आती हैं कुछ मंथली आ रही है कुछ प्रियोडिकल्स आपका इयरली आती हैं उनकी सब्सक्रिप्शंस देखना एनुअल सब्सक्रिप्शंस देखना रिन्यू सब्सक्रिप्शंस देखना दैट इज आल्सो अ वर्क ऑफ प्रियोडिकल सेक्शंस प्लस प्रियोडिसिटी में बाय मंथली भी आती है एनुअली भी आती है सिक्स मंथली भी आती हैं कितने भी टाइप के अलग अलग प्रियोडिकल्स की जानकारी रखना उनकी प्रियोडिसटी मेंटेन करना उनका रख रखाव करना प्लस एनुअल सब्सक्रिप्शन देखना सीरियल्स मैगजीन्स की ये सब कुछ भी वर्क आता है प्रियोडिकल सेक्शन के अंदर दैट इज़ नॉट अ वर्क ऑफ एक्विजिशन सेक्शन ये वर्क जो हैंडल आउट करता है वो प्रियोडिकल सेक्शन करता है रिलेटेड टू प्रियोडिकल्स जर्नल मैगजीन सीरियल्स जो भी न्यूज़पेपर जैसे कि जो एक पीयोर्डिसिटी मेंटेन कर रही है उनके लिए यहां में हम बात कर रहे हैं ठीक है अब अगर हम बात करें इनके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की ठीक है फर्स्ट जो स्टेप आता है प्रियोडिकल सेक्शन के अंदर दैट इज प्रियोडिकल सेक्शन कैसे काम करता है और किस तरीके से काम करता है उनके डेली रूटीन्स के वर्क के अंदर क्या क्या आता है फर्स्ट इज सब्सक्रिप्शन हर जर्नल्स हर प्रियोडिकल्स हर मैगजीन अपनी अलग अलग सब्सक्रिप्शन मेंटेन करता है किसी की सब्सक्रिप्शन ईयरली चलती है किसी की सिक्स मंथली चलती है किसी की क्वार्टरली चलती है उसके अकॉर्डिंगली पे करना रिन्यू करना वो सब चीज़ें चेक करना उनकी रिन्यू कब होगी सब्सक्रिप्शन कब सब्सक्रिप्शन का एंड है कब उसका सेकेंड पेमेंट जा रहा है ये सारी रिलेटेड सब्सक्रिप्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखना दैट इज़ द वर्क ऑफ प्रियोडिकल सेक्शन सेकेंड स्टैम्पिंग जो भी न्यूज़पेपर मैगजीन लाइब्रेरी के अंदर आ रही है उनकी स्टैम्पिंग करना उनकी एंट्रीज करना पीओडिकल रजिस्टर्स के अंदर वो सारा वर्क भी आपका पीओडिकल सेक्शन के ही अंदर आता है वही इसको इजीली मेंटेन करते हैं और प्रोवाइड करते हैं ठीक है डिस्प्ले ऑफ प्रियोडिकल जर्नल्स इन सब के डिस्प्ले का इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना कब पुरानी जर्नल की जगह अगर कोई नई जर्नल उसका नया एडिशन आ रहा है नया सब न्यू सब्सक्रिप्शन आ रही है उसको डिस्प्ले पे लगाना और पुरानी वाली को उसके नीचे जो भी जिस भी अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट्स रखे हैं उसके अंदर उसको सेटल डाउन करना दैट इज़ ऑल्सो अ वर्क ऑफ प्रिय सेक्शन इसके अलावा जो भी बच्चे रिलेटेड टू प्री जर्नल्स के अगान अगेंस्ट जो भी उनकी क्वेरीज होती है वो सब कुछ प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन एक्सेस करवाना उनको ये सारा काम भी पीरियोडिकल सेक्शंस के अंडर ही आता है ठीक है नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें दैट इज अवर रेफरेंस सेक्शन रेफरेंस सेक्शन रेफरेंस सेक्शन बेसिकली जो इंफॉर्मेशन रखता है वो रेफरेंस सोर्सेज की रखता है इसके अंदर आपको जो मिलेगा दैट इज रेफरेंस डेक्स पहले इसमें रेफरेंस लाइब्रेरियन भी होता था अब अटेंडेंट्स भी होते हैं तो रेफरेंस लाइब्रेरियन और अटेंडेंट रेफरेंस सोर्सेज लाइक बिब्लियोग्राफी इन्साइक्लोपीडिया डिक्शनरी ये सब रिसोर्सेज को रखना जो कि रेफरेंस सोर्सेज़ की कैटेगरी के अंदर आते हैं रेफरेंस सोर्सेज की इंफॉर्मेशन के अंदर आते हैं रेफरेंस प्रॉपर जो अलग रिसोर्सेज का एक अलग सेक्शन प्रिपेयर किया जाता है जो कि बाकी बुक से अलग रखा जाता है इनकी बुक के जो कॉल नंबर होते हैं उनके आगे भी आर साइन लगा दिया जाता है दैट मीन्स रेफरेंस सोर्सेज ये सोर्सेज उस पर्टिकुलर प्लेस से बाहर नहीं जाते लाइब्रेरी से बाहर नहीं जाते बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली वेरी यूनिक और बहुत कम नंबर्स में होते हैं इनकी कलेक्शन या तो एक दो इंसाइक्लोपीडिया हम ज़्यादा नहीं रखते पर्टिकुलर अगर जर्नल इंसाइक्लोपीडिया होगा तो एक उसका वॉल्यूम्स क्योंकि उसकी बहुत सारी वॉल्यूम्स आती हैं तो हम सारे जर्नल्स को तो नहीं रख सकते सारे इंसाइक्लोपीडिया नहीं रख सकते सिर्फ़ और सिर्फ रेफरेंस पर्पज़ के लिए वो रखा जाता है तो उनको सिर्फ रेफरेंस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और तभी उनका एक्सेस किया जाता है इसीलिए उसका एक पर्टिकुलर अलग सेक्शन होता है वहीं पे उनका स्टैंपिंग उनकी एक्सेशनिंग ये सब चीज़ें की जाती है आफ्टर एक्विजिशन के बाद जो भी उनका रख रखाव होता है प्रॉपर मेंटेनेंस होती है इनके कॉल नंबर्स भी अगर आपने पढ़ा होगा डीडीसी के अंदर वो भी अलग बनते हैं क्योंकि इसमें वर्ड यूज़ होते हैं इन्साइक्लोपीडियाज बिब्लोग्राफी जो कि एक अलग नंबर और एक अलग सब डिविजन्स हेल्प करते हैं तो इसलिए इनको अलग रखा जाता है क्योंकि ये रेफरेंस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है आगे अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट सेक्शन की ज योर मेंटेनेंस सेक्शन मेंटेनेंस सेक्शन जो होता है जो कि लाइब्रेरी फर्नीचर इक्विपमेंट्स के रख रखाव के लिए रखा जाता है या प्रॉपर शेल्विंग शेल्फ रेक्टिफिकेशन इन सब रूटीन्स के लिए रखा जाता है तो इनके जो डेली रूटीन्स होते हैं या डेली वर्क्स जो होते हैं शेल्विंग करना सो so दैट कोई भी बुक मिसप्लेस हुई है कहीं भी गलत रखी गई है या बुक बाहर है उसको प्रॉपर उसकी जगह पे रखना सेल्फ रेक्टिफिकेशन करना यानी अगर कहीं कोई भी बच्चा गलती से बुक के प्लेस से उसको उठा के कहीं और रख के चला गया है तो थ्रू रेक्टिफिकेशन आप उसको सही कर सकते हो और उसके प्रॉपर प्लेस पे आप दोबारा उसे रख सकते हो ये करना लाइब्रेरी इक्विपमेंट का रख रखाव करना ठीक है लाइब्रेरी इक्विपमेंट टेक केयर करना इसके अलावा क्लीनलेस डस्ट प्रूफ रखना लाइब्रेरी को ये सारा वर्क आपके जो लाइब्रेरी मेंटेनेंस सेक्शंस के अंदर आता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज जब तक वहां पे क्लीनलेस नहीं होगी लाइब्रेरी की जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी सफाई नहीं होगी या फिर और भी चीज़ें हैं तो धीरे धीरे क्या होता है इक्विपमेंट्स और बुक्स ख़राब होने लग जाती है डस्ट और जो बाकी सब चीज़ें इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी की वजह से आते हैं अगर वो क्लियर नहीं होगी क्लीन नहीं रखी जाएगी तो इस वजह से बुक्स एंड अदर रिसोर्सेज को भी नुकसान पड़ सकता है तो मेंटेनेंस सेक्शन की ये ड्यूटीज़ होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और इससे प्रोवाइड किया जाता है जो भी लाइब्रेरी uh, के अंदर मेन फंक्शन हैं वो अच्छे से चल सके आफ्टर दैट आवर लास्ट सेक्शन इज बाइंडिंग सेक्शन ईच एंड एवरी सेक्शंस में काफ़ी बुक्स जब वियर एंड टीयर होने से वीडिंग आउट होने से खराब हो जाती है या उनकी बाइंडिंग्स जो होती है वो हर, अलग हो जाती है या काफ़ी बुक्स को जब जरूरत होती है बाइंड की तो उनको बाइंडिंग सेक्शंस में भेजा जाता है जहाँ पे बुक को दोबारा से रीबिल्ड किया जाता है या अगर कुछ बुक ऐसी है जो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय होने वाली है इन्फॉर्मेशन बच्चा उसमें से ईजिली एक्सेस नहीं कर सकता तो उनको दोबारा से डिजिटलाइज मोड पे डाला जाता है या उसको रीप्रोग्राफी के थ्रू दोबारा रिप्रोड्यूस करा जाता है आइदर जेरोक्स करवा कर उसका प्रिंटेड मटेरियल उसके अंदर रखा जाता है या जो बुक बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है उसका न्यू एडिशन मंगवाया जाता है तो दैट इज़ द ड्यूटीज एंड दैट इज़ द वर्क रूटीन्स ऑफ बाइंडिंग सेक्शन चेक बुक बाइंडिंग्स प्रॉपर बाइंडिंग्स ठीक है प्रॉपर बाइंडिंग उनकी अच्छे से हो जाए ठीक है कुछ बुक का अगर रेप्रोग्राफी बनाना है रिप्रोड्यूस करना है वो बनाना और डिजिटलाइजेशन डिजिटाइजेशन करना उनका दैट इज द वर्क ऑफ बाइंडिंग सेक्शन विच इज द लास्ट सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस तो ये जो सेक्शन आज हमने पढ़े दैट इज रिलेटेड टू लाइब्रेरी वर्क रूटीन्स या लाइब्रेरी डेली रूटीन्स इसी मैनेजमेंट के थ्रू लाइब्रेरी के डेली टू डेली फंक्शंस जो भी पब्लिक इंट्रेक्टिव फंक्शंस है या इन हाउस फंक्शंस है वो करे जाते हैं सो so दैट एट अ टाइम जब भी यूज़र को इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना है वो तभी उसको एक्सेस कर सके अगर इनमें से कोई भी सेक्शन अच्छे से वर्क नहीं हो पाता तो वहीं पर ही सारे सेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है या फिर कोई भी वर्क रूटीन अच्छे से नहीं हो पाता तो अगर ये सेवन सेक्शन अच्छे से वर्क करेंगे तो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का मैनेजमेंट और वर्क रूटीन बिल्कुल सही चलता है और प्रॉपर वर्क होने से जो भी इन्फॉर्मेशन जब भी यूज़र को चाहिए होती है तब उसको प्रोवाइड की जा सकती है तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो थी ये जो आपको मैंने बनाई वो इसीलिए बनाई इसी पर्पस के अकॉर्डिंगली बनाई सो हम ये समझ सके कि लाइब्रेरी के कितने फंक्शंस हैं और उसको कैसे कन्वे किया जाता है और कैसे निभाया जाता है प्रॉपर तो इस पर भी क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं कि वट आर द प्रोसीजर्स या वट आर द फंक्शंस ऑफ एक्विजीशन टेक्निकल या और भी डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर उनके अंदर इन डीप सब डिविजन के थ्रू भी क्वेश्चंस आते हैं और भी डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस इसके अंदर काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं तो उनको इस वीडियो के देखने के बाद आप काफ़ी क्लियर हो चुका होगा आपको कि कौन कौन से सेक्शन क्या क्या वर्क परफॉर्म करते हैं और लाइब्रेरी के अंदर कितने सेक्शंस होते हैं सो आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे जब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा जो भी आपके सेक्शंस और लाइब्रेरी सेक्शंस रिलेटेड कोई भी डाउट है उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बाकी इस वीडियो को अच्छे से देखिए अपने जो भी है डाउट्स वो आपके क्लियर हो जाइए आफ्टर इस वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करती हूँ कि वो क्लियर हो चुके होंगे और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो so मच